हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। मतलब कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए जिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स। जो इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, इंडियन हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है, जो कि मेटल शीट पर लिखे जाते थे या फिर स्टोन पर लिखे जाते थे, इंग्रेव होते थे ये, ठीक है। न्यूमिसमैटिक्स, कोइंस वगैरह जो बनते थे उस टाइम पर, न्यूमिसमैटिक्स की श्रेणी में आते हैं। आर्कियोलॉजी, वही जो आर्कियोलॉजिकल इमेज मिले हैं, ठीक है, एंड ये जो बर्तन मिले हैं कि कैसे उस टाइम पर बर्तन होते थे, एंड बिल्डिंग्स मिली हैं, तो वो सब आर्कियोलॉजी में आ गया। लिटरेचर, फोरन लिटरेचर एंड ब्राह्मणिक लिटरेचर पढ़ा था मैंने आपको, बताया था प्रीवियस वीडियो में। सोर्सेज, ट्रेडिशन, ये सब, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ पास्ट। आर्कियोलॉजिकल जो है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट की स्टडी करना, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ पास्ट, पास्ट में जो कुछ भी बच गया उसकी स्टडी करना, ठीक है। दे इंक्लूड बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स, इसमें बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स इंक्लूड हैं, जो कि पुरानी बिल्डिंग्स जो कि आज के टाइम में भी मौजूद है, जैसे कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है ना, एंड ताजमहल हो गया, लाल किला, ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हस्तिनापुर में महल मिला है ना, तो ये सब कुछ क्या बताता है हमको, पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। एंड वो मटेरियल जो कि उस टाइम पर इनहेबिटेंट्स हैं, उस टाइम के जो लोग थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था, वो भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे शीशा मिला है ना, कॉपर के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पोटकी जिसे कहते हैं, एंड ब्रिक्स, ईंट मिली है ना, तो अलग अलग जो एविडेंस मिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एंड बताते हैं किस टाइम पर जो लोग थे वो कैसे अपनी जो लाइफ थी वो चला रहे थे, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वो सेटअप बाय लॉर्ड कर्जन। जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का, वो सेटअप किया था लॉर्ड कर्जन ने, किसकी डायरेक्टर जनरलशिप में, डॉक्टर मार्शल की डायरेक्टर जनरलशिप में। एक्सकेवेशन कंडक्टेड एट वेरियस साइट्स, एक्सकेवेशन कंडक्ट हुए अलग अलग साइट्स में, ठीक है। जैसे इंडस रिवर की जो वैली थी वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ, लोथल में हुआ जो कि गुजरात में है, कालीबंगन में हुआ जो कि राजस्थान में है, सिंध एंड पंजाब, इन सब जगह पर एक्सकेवेशन हुए, तो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले, ठीक है। तो इसी तरह से जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं, ये हमको उस टाइम पर पास्ट में जो भी कंडीशन थी, सोशल लाइफ जो थी पास्ट की, उसके बारे में हमको काफ़ी कुछ बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सकेवेशन जो हुए हैं तक्षशिला में, वो हमको बताते हैं कुशान रूलर्स के बारे में, जिन्होंने सिक्के चलाए थे सोने के, है ना। सिमिलैरिटी इन मोन्यूमेंट एक्सकेवेटेड इन इंडिया अबाउट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस एरियाज ऑफ ग्लोब। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जब उन्होंने इंडिया में एक्सकेवेशन किया, तो जब उन्होंने विदेश में एक्सकेवेशन किया, तो उनको विदेश में भी वैसी चीज़ें मिली जैसे इंडिया में मिली हैं। तो जब इंडिया में एंड दूसरी कंट्री में सेम चीज़ें मिलती है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर ट्रेड होता होगा, एंड उस टाइम पर अलग अलग कंट्रीज जो थे उनके भी रिलेशन होते होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे को अच्छे से उस टाइम पर जानते होंगे, ये बात उससे पता चलती है, ठीक है। ये क्या बताता है, दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज वेयर वी फोकस ऑन फिजिकल रिमेन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, वो सोर्सेज है जब हम फिजिकल रिमेन्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी हमको रिमेन्स मिलते हैं उन पर इंसान जो है वो फोकस करता है कि क्या क्या मिला है पास्ट के बारे में, ठीक है, एज एन एविडेंस ऑफ पास्ट। ऑफन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर पीरियड वेयर वी डोंट हैव द रिटन वर्ड और एनी ओरल ट्रेडिशन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, वो हमको उस पीरियड के बारे में बताने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, या फिर अगर रिटन एविडेंस मिले हैं तो उनको डेसिफर नहीं किया गया। जैसे कि प्री हिस्टोरिक जो टाइम था, पैलोलिथिक एज जो थी, उस टाइम पर रिटन एविडेंस
नहीं मिले हैं, बट कुछ मटेरियल इमेज जो मिले हैं उनसे हमको पैरोलिथिक एज के बारे में पता चल जाता है। जैसे टूल्स मिले हैं कि उस टाइम पर लोग कैसे स्टोन के टूल्स बनाकर यूज़ करते थे, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पर जो लोग थे वो कैसे रहते थे। ठीक है, रॉक आर्ट मिली है, रॉक पेंटिंग जिसको केव पेंटिंग भी कहा जाता है ना, तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, बिकॉज ये हमको उस टाइम की भी जानकारी देते हैं जब रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं होते थे। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ फ्रॉम दीज एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट दैट वी डिडक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन एट दैट टाइम। ये जो आर्टिफैक्ट्स है जो कि एक्सकेवेट किए जाते हैं, ये हमको क्या बताते हैं, ये हमको बताते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, कि उस टाइम पर लोगों की सोशल लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल क्या इश्यूज होते थे उस टाइम पर, पॉलिटिक्स कौन संभालता था, है ना, राजा होता था या नहीं, तो ये सब कुछ हमको पता चलता है। एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पर लोग क्या क्या काम करते थे, रोज़गार क्या था लोगों का, कितना लोग अर्न कर लेते थे। ठीक है, जैसे बार्टर सिस्टम के बारे में पता चला है कि जब पैसे नहीं होते थे, मुद्रा नहीं होती थी, तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम होता था। तो ये सब कुछ हमको बताता है हिस्ट्री के बारे में कि पास्ट में लोग कैसे अपनी लाइफ जीते थे।